हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जब काम करते हैं तो वहाँ पे जो लिनन आप यूज करते हैं, जिसमें आपके वेटर्स क्लोथ है, आपके टेबल क्लोथ है, स्लिप क्लोथ है, आपके किसी भी तरह के नैपकिन हैं, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में उसको वॉश करने के लिए देते हैं और उसकी जो इन्वेंट्री है वो किस तरह से आप अपनी बुक में या उसकी जो लॉग बुक है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लिनन रेस्टोरेंट के अंदर यूज होता है वो किस डिपार्टमेंट में वॉश करने के लिए दिया जाता है और उसकी लॉग बुक किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका लिनन है, जितनी भी तरह का लिनन आपके रेस्टोरेंट में यूज होता है वो किस डिपार्टमेंट में वॉश करने के लिए दिया जाता है। आप अपने होटल में जितनी भी तरह का लिनन यूज करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उसको क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका लॉन्ड्री सेक्शन या लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है। जो उसको हैंडल करता है या उसको ऑपरेट करता है वो आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जितनी भी तरह के लिनन्स आपके होटल्स में, आपके रेस्टोरेंट में यूज होते हैं तो उसको वॉश करता है आपका लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। और एक और चीज बता दूं कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनकी अपनी लॉन्ड्री होती है होटल्स के अंदर। यहाँ पर एक और चीज है कि जो आपके इंडिविजुअली रेस्टोरेंट्स होते हैं या और जो आपके छोटे होटल्स होते हैं तो उनमें अपनी लॉन्ड्री नहीं होती है। इनकी जो आपका लॉन्ड्री है वो आपके बाहर अपने जो लॉन्ड्रीज होती हैं लोकल मार्केट में तो वहां पर अपना लिनन वॉश करने के लिए देते हैं जो आपके चार्जेबल बेस पे होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जो आपका लिनन है वो किस तरह से आप अपना लॉन्ड्री सेक्शंस में देते हैं और उसके लिए कैसे लॉग बुक मेंटेन करते हैं। तो उसकी जो लॉग बुक है वो किस तरह से दिखती है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो आपकी जो लिनन बुक है वो थोड़ी सी इस तरह से दिखती है। इसको थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि इसमें आइटम्स है जो आपके लिनन है उसको कैसे मेंशन करते हैं और उसको किस तरह से इसको फिलअप किया जाता है और इसके जो फॉलोअप है वो किस तरह से लिया जाता है। तो आपकी जो होटल्स का नाम होता है वो आपके लॉग बुक, जो आपकी लॉन्ड्री बुक है उसके टॉप में होटल्स का नाम लिखा होता है। उसके बाद आपका वर्डिंग्स होती है रेस्टोरेंट लिनन एक्सचेंज लॉग बुक, जो आपकी लिनन्स की लॉग बुक है उसकी वहां पर हेडिंग दी होती है। साथ में आपका राइट साइड में आपका फ्रॉम आपके जो रेस्टोरेंट का नाम होता है, क्योंकि बड़े होटल्स में आपके 2 से 3 रेस्टोरेंट्स होते हैं तो आपके वहां पर रेस्टोरेंट का नेम मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके जितने भी लिनन है वो आपके बाय रेस्टोरेंट के नाम से आपको इशू किए जाते हैं। साथ में आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी सीरियल्स नंबर दिया होता है कि आपकी जो सीरियल्स नंबर है आपकी लॉग बुक का, साथ में उसमें आपकी डेट मेंशन होती है आपकी किस दिन अपना लिनन ले जा रहे हैं। तो आपका जो लिनन एक्सचेंज है वो आपका डेली बेसिस पे होता है या आपका ऑपरेशंस के बाद हो सकता है, जैसे लंच के बाद या डिनर के बाद अपना लिनन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिनन यूज करते हैं अपने ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। उसके बाद आपका 2 कि आपका जो लिनन है वो किस डिपार्टमेंट को जा रहा है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम कहां से जा रहा है, फ्रॉम आपका जो रेस्टोरेंट का नेम होता है एंड 2 कौन से डिपार्टमेंट के लिए, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि जो आपका लॉन्ड्री सेक्शन है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट उसको हैंडल्स करता है। तो अब जानते हैं कि इसमें जो आपकी क्लोथ है उसको किस तरह से मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सीरियल नंबर आ गए, यहाँ पर आपके आइटम्स आ गए, जितनी भी तरह के आप लिनन अपने रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शंस आ गए कि वो किस तरह से उसका कलर है या वो किस तरह से दिखते हैं या उसका साइज क्या है। तो डिस्क्रिप्शन कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद उसका ओपनिंग बैलेंस, तो आपका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जो आपका लास्ट डे जब आपने अपना लॉन्ड्री लिया था उस समय आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या था वो आपका नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। उसके बाद आपका रिटर्न कितना है, आपने रिसीव कितना किया अपना क्लोज, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस कि उतना वहां पर कितना क्लोजिंग बैलेंस बचता है, तो वही क्लोजिंग बैलेंस जाकर नेक्स्ट डे आपका ओपनिंग बैलेंस बनता है। लास्ट में आपका रिमार्क्स, तो रिमार्क्स में आप दे सकते हैं कि कोई आपका नेपकिन है, आपका टेबल क्लोथ है वो फट गया है या उसको डिस्कार्ड हो गया है, तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि वो कितने और किस तरह से आपका डिस्कार्ड हो चुका है। तो सबसे पहले यहां पर दिया है आपका नंबर 1 पे टेबल क्लोथ, तो टेबल क्लोथ की डिस्क्रिप्शन है आपकी यहाँ पर व्हाइट, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 20, तो ओपनिंग बैलेंस 20 है, ये आपके लास्ट डे में 20 क्लोथ आपके
कि हाँ पेंडिंग है लॉन्ड्री में, आपने अभी जो डर्टी दिए हैं 10 दिए हैं और आपने रिसीव किए हैं टोटल 30, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जीरो रह गया है क्योंकि आपके 20 पहले के थे, रिटर्न आपने सेम टाइम 10 किए हैं तो टोटल हो गया आपका 30 और आपने फ्रेश जो आपके क्लोज थे वो आपने 30 दिए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आपका वहां पर जीरो रह गया है। एंड देन नेक्स्ट है आपका स्लिप क्लोथ। स्लिप क्लोथ की डिस्क्रिप्शन है आपकी व्हाइट, कि आपका जो स्लिप क्लोथ है उसका कलर कैसा है, व्हाइट कलर से है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपका सेम 20 है। आपने ये आपका लास्ट डे वहां पर पेंडिंग रह गया था 20, रिटर्न आपने 20 किया है, टोटल्स हो गया आपका 40 एंड देन रिसीव्ड आपने फ्रेश स्लिप क्लोथ कितने किए 30, तो यहां पर कितना पेंडिंग रह गया आपका लॉन्ड्री में 10, तो नेक्स्ट डे जाकर ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका नैपकिन्स। तो नैपकिन है आपके जो डिस्क्रिप्शन है वो है ब्लू कलर, ब्लू कलर के दिखते हैं एंड देन उसकी जो ओपनिंग बैलेंस है जीरो एंड देन आपने रिटर्न किए 20, सेम टाइम आपने 20, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहां पर जीरो रहेगा। अगर आप इसमें आपको कोई भी नैपकिन डिस्कार्ड हो जाता है तो आपको यहां पर रिमार्क्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके वेटर क्लोथ। तो वेटर क्लोथ की डिस्क्रिप्शन है व्हाइट, आपकी ओपनिंग बैलेंस है 10 कि आपका लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस था एंड देन आपने रिटर्न किए हैं वापस 10 और रिसीव किए हैं आपने सेम टाइम 20, तो आपका यहां पर क्लोजिंग बैलेंस रह गया है जीरो। एंड देन नेक्स्ट है आपका ट्री क्लोज। तो ट्री क्लोज का डिस्क्रिप्शन है ब्राउन, तो आपकी जो ट्री क्लोज है वो आपके ब्राउन कलर के हैं और उसकी जो आपकी ओपनिंग बैलेंस है आपकी 20 है और आपने रिटर्न किए हैं सेम टाइम में 10, तो आपका टोटल हो गया 30, आपने रिसीव किए हैं सेम टाइम में 30, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा जीरो। एंड देन लास्ट है आपका बफे क्लोथ। तो बफे क्लोथ का जो आपका डिस्क्रिप्शन है व्हाइट है और उसका जो साइज है 15x5 जो उसका साइज है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है जीरो एंड देन रिटर्न है आपके 10 एंड रिसीव किए सेम टाइम में 10, तो आपका यहां पर होगा क्लोजिंग जीरो। तो आपको जब भी अपना लॉन्ड्री अपना देना है अपने लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में तो आपको इस तरह से अपनी लॉग बुक मेंटेन करनी है जिसमें आपकी ओपनिंग बैलेंस है, रिटर्न्स है, रिटर्न्स में जो आपके डर्टी लिनन है और आपने रिसीव में जो आपने फ्रेश लिए है, तो उसके बाद जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और यहाँ पर राइट साइड में आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो आपके शिफ्ट इंचार्ज हो सकता है या आपका हेड वेटर्स है उसके सिग्नेचर रहेंगे, साथ में आपके सिग्नेचर ऑफ वेटर्स जो आपका लॉन्ड्री आपके रेस्टोरेंट से ले जाकर आपका हाउसकीपिंग में देंगे उसके भी यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, और जो आपका लिनन इशू करेगा लॉन्ड्री में उसके सिग्नेचर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ लिनन कीपर, जो आपका लिनन कीपर है उसके भी सिग्नेचर होते हैं आपकी लिनन रेस्टोरेंट लॉग बुक के ऊपर। तो ये सारा आपका जो लॉग बुक है जो आपके लिनन के लिए मेंटेन की जाती है उसको हमने यहाँ पर आपको एक अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंतिम तक बनने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सजेशंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंतिम तक बनने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।